बिहार से मौत बनकर आई फूलन देवी और उसके साथियों की गोलियों ने कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। 20 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं, कई राउंड फायर किए गए, लोगों के शरीर को बुरी तरीके से छलनी कर दिया गया। औरतें बिलखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन फूलन पर कोई असर नहीं पड़ा। जब लगा कि पूरा गांव मातम में तब्दील हो गया है, तो फूलन और उसके साथी खेत के रास्ते जंगल भाग गए। बेहमई गांव में कई घर तो ऐसे हैं जहां 31 साल पहले कोई नाम लेवा नहीं बचा। बाप और बेटा डकैतों की गोली का निशाना बन गए। हत्याकांड के बाद गांव के ज्यादातर घरों में या तो कुछ बच्चे और बुजुर्ग जिंदा बचे थे या फिर महिलाएं। बेटा घर आते पति हारे गए हरियाली मीन, इन्होंने को बाबा गांव हरियाली मीन अजा जाने इतनी देर गांव में अब मची रही आए आए गए तिंगा मुरी उखाड़ खा है और फिर दिलासा से टेरो है आप लोग हमारे ढंग आ जाना हम बोल हैं ना तो विश्वास में मेरा सबको क्या हो जाए या तो जाने तो तुम्हारे ही रहा आए थे हम तो यहाँ ही छाड़ी थी यार में आए लेकिन छाड़ो करो फिर डंडा डंडा मारे हैं और फिर गोली एक देर में बोल काली माई की जाए गोली बजाने लगी तो सारी बातें मैंने देखी वहाँ से छिपके के क्या हुआ। जब वो मार के निकल गए ऐसे निकल गए ऐसे तब मैं उठकर यहाँ आया देखा तो महीने एफ आई आर दर्ज किया। गांव में कोई रहा ही नहीं गया था जितने आदमी थे मारे गए थे। चौदह फरवरी 1981 को एक साथ 20 लोगों की हत्या से पहले बेहमई गांव के बारे में कोई नहीं जानता था। हिंदुस्तान तो क्या उत्तर प्रदेश के नक्शे पर भी बेहमई की कोई पहचान नहीं थी क्योंकि कानपुर देहात जिले का ये छोटा सा गांव बीहड़ों के नजदीक है और जिला मुख्यालय से काफी दूर। बेहमई एक रिमोट विलेज है, वहां तक आसानी से पहुंचना संभव नहीं था। वहां से कोई आकर पुलिस को खबर करे, उस जमाने में सेलफोन्स तो थे नहीं, तो यही एक तरीका था कोई आता वहाँ से और फिर किसी ऐसी जगह पहुँचता जहाँ पर हमारी राजपुर चौकी थी उसके सबसे नज़दीक पड़ती थी। इकतीस साल पहले इस गांव के आसपास कोई थाना तो दूर पुलिस चौकी तक नहीं थी। बेहमई गांव से पुलिस चौकी रजबपुर 12 किलोमीटर दूर थी और थाना सिकंदरा 17 किलोमीटर दूर। यही वजह थी कि पुलिस के कानों तक बेहमई कांड की खबर पहुंचने में कई घंटे लग गए। पुलिस तक उस खौफनाक हत्याकांड की खबर पहुंचाई थी राजा राम सिंह ने। इनकी उम्र उस वक्त करीब 29 साल थी। राजा राम सिंह के सगे भाई भी उन 17 बदनसीबों में से एक थे जिनकी जिंदगी के परवाने पर 31 साल पहले फूलन देवी ने अपनी बंदूक से मौत की मुहर लगाई थी। यहाँ आया देखा तो महीने एफ आई आर दर्ज किया। गांव में कोई रहा ही नहीं गया था, जितने आदमी थे मारे गए थे। मैं एक बच्चा को छोटे को लेकर, तब वाहन कोई थे नहीं, साइकिल से सिकंदरा पहुँचे थे। एक मास्टर रामकृष्ण पाल थे, वो सिकंदरा ही पढ़ाते, वो रास्ते में लगे, उनको हमने लौट ला लिया संग के, चच्चू चलो तुम साथ हम आए, तो हमने एफ आई आर दर्ज करी। चौकी का स्टाफ था, उसको खबर मिली थी तो वो लोग वहाँ से गए थे। थाना भोगनीपुर पास में था एक, वहाँ के लोग गए थे तो ये सब लोग वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था पहुँच गए क्योंकि बारिश का मौसम था और बारिश में बहुत जगह वाटर लॉक्ड एरियाज थे तो इस वजह से काफ़ी समय लगा उसमें। बेहमई में फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ तकरीबन 4 घंटे तक लूटपाट की और बाद में 20 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बेहमई हत्याकांड का सबसे दुखद पहलू यह है कि सिकंदरा थाने तक सूचना आते आते 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। बेहमई और सिकंदरा थाने के बीच की दूरी तकरीबन 22 किलोमीटर है और बीच में महज एक रिपोर्टिंग चौकी पड़ती है जहां पर एक चौकीदार तैनात था। घटना की सूचना सुबह 4 बजे सिकंदरा थाने आई, लेकिन जिस वक्त सूचना आई यहां के थाना प्रभारी कहीं गश्त पर गए हुए थे। बेहमई कांड के वक्त कानपुर देहात के एसपी रहे रिटायर्ड आईपीएस अफसर एबी लाल के मुताबिक पुलिस जब वहां पहुंची थी तो पूरे गांव में खौफ भी था और गुस्सा भी।
बेहमई कांड के जितने भी चश्मदीद सबकी जुबान पर एक ही नाम था, फूलन देवी। फूलन देवी आई थी, उसने सबको बुला के बाहर बुलाया, उसको बहुत सारे नाम भी पता थे जिनको उसने बाहर बुलाया, और नाम उनके जानते हुए क्योंकि उसने बुलाया इसलिए ये बात स्पष्ट थी कि कोई ना कोई इसका बैकग्राउंड ऐसा था कि वह इन लोगों से बदला लेना चाहती थी। और जो लोग छुप गए अंदर उनको गैंग वालों ने उसके जाकर अंदर से निकाल के लाए, जिनके जो लोग नहीं मिल रहे थे उनके बच्चों को प्रताड़ित किया उन्होंने। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी बेहमई गांव में इतनी लाशें छोड़ गई थी कि लाशों के लिए कंधे कम पड़ गए। पूरे इलाके में उससे पहले कभी एक साथ इतनी अस्थियां नहीं उठी थी, कभी एक साथ इतनी लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। उस दिन गांव का शमशान घाट छोटा पड़ गया। लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक कम पड़ गईं। मानव श्रीवास्तव के साथ प्रशांत गुप्ता, बेहमई, News 24। इन्हीं पगडंडियों पर आगे बढ़ी जा रही थी मौत। उस मौत के एक दो नहीं, दर्जनों हाथ पांव थे। पांव बीहड़ की खामोशी को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीहड़ से निकलकर आए दर्जनों हथियारबंद डकैत धड़ाधड़ गांव में दाखिल हो गए। डकैतों को देखते ही गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। क्या बच्चे, क्या महिला, क्या बूढ़े और क्या जवान, जिसे जिधर भागने का मौका मिला दौड़ पड़ा, जिसे जिधर छिपने का मौका मिला छिप गया। महज कुछ ही पलों में गांव की औरतें, बच्चे और मर्द सभी घरों के अंदर कैद हो गए। गलियां सुनसान हो गई। गांव की सड़कों में बीहड़ के हथियार बंद डकैत अपने शिकार की तलाश कर रहे थे। बंद घरों की खिड़कियों और दरवाजों से झांकती आंखें मौत की आहट सुनकर खौफजदा थी। मुझे पकड़ा ही नहीं पाया था। पूरी कहानी क्या थी? ये जो जहां मिले हैं वो उनको पकड़ लिया। मैंने जब देख लिया कि पकड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो मैं डर के मारे छिप गया बगल से। ये नाला है नीचे, ये यहाँ से ये झाड़ी हटी, यहाँ बेशरम खड़ी थी, तो सारी बातें मैंने देखी, वहां से छिपके के क्या हुआ। डकैतों के डर से लोग घरों में छुपे हुए थे। बीच चौराहे पर खड़े हथियार बंद डकैत मौत बनकर मडरा रहे थे। डकैतों ने अपना मकसद साफ कर दिया था। वो लोग इस गांव में अपने दो दुश्मनों श्री राम और लाला राम को पकड़ने पहुंचे थे। उसके बाद एक एक कर घर की तलाशी शुरू हो गई। श्री राम और लाला राम तो नहीं मिले, हाँ पूरे गांव में जितने भी मर्द अपने घरों में छुपे बैठे थे, डकैतों ने उन्हें जानवरों की तरह खींच खींच कर बाहर निकाल दिया। गांव के तमाम मर्द चौराहे पर सिर झुकाए खड़े थे। उनके सामने सीना तान कर खड़ी थी डकैतों की बंदूक और राइफल। अचानक बंदूकों ने गरजना शुरू कर दिया। बंदूकें जब खामोश हुई तो चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था और सामने पड़ी थी 20 लाशें। कुछ गांव वालों के जहन में उस खौफनाक मंजर की यादें आज भी ताजा हैं। इसी रास्ते से आई थी ये जमुना नदी नीचे, यहाँ होकर पूरे गांव में 10-10, 5-5 आदमी लुटाई पिटाई करने लगे। जब तब असलाहत आ रही थी तो गांव में तो जो जो उन आदमी मिलो तो कुछ लोग पकड़ यहाँ इकट्ठा करने लगे, और जब सब लूट पीट कर सबके सकेल के लेकर ये ना खड़ो करके मार दो, और फिर इस रास्ते से निकल गए। कुछ लोग उधर खड़े थे और कुछ लोग इधर खड़े थे, क्योंकि उनकी गोली इधर गिरा, उनकी गोली इधर गिरा, लोग यहाँ सब खड़े थे जहाँ स्मारक बनो, लगाए लगाए दही तड़ 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 पता ही नहीं पड़ो कितने फैर भाई।
डकैतों की गोली का निशाना बने 20 लोगों में से 17 एक ही गांव, एक ही जाति के थे। 3 लोग पड़ोस के गांव से आए थे, मानो उन तीनों को मौत ही इस गांव में खींच लाई थी। कुछ ही घंटों के अंदर 20 हंसते खेलते लोगों को लाशों में तब्दील करके फरार हो गए डकैत, और पीछे रह गई एक खौफनाक कांड की दिल दहला देने वाली दास्तान। भियल की घाटियों में दिल दहला देने वाला यह नरसंहार इतना विवश था कि इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आजादी के बाद यह पहला वाकया था जब इतनी बड़ी संख्या में खास जाति के लोगों को एक साथ मारा गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नरसंहार को एक महिला ने अंजाम दिया था। इस नरसंहार की कहानी जितनी दर्दनाक है उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है इसका बैकग्राउंड एक महिला के शोषण से लेकर उसके डकैत बनने तक का। डकैतों की जिस गैंग ने उत्तर प्रदेश के गांव में घुसकर खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस गैंग की लीडर थी फूलन देवी, कुख्यात दस्यु सुंदरी फूलन देवी। फूलन देवी पर ही ये इल्जाम लगा था कि उसने करीब 31 साल पहले दर्जनों हथियारबंद डकैतों के साथ बेहमई गांव पर हवा बोला था। फूलन देवी पर ही ये इल्जाम लगा था कि उसने बेहमई में एक ही जाति के लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया था। एक गांव के अंदर एक साथ 20 लोगों की कत्लेआम की यह वारदात उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइलों में बेहमई कांड के नाम से दर्ज है, और कानून की नजर में बेहमई कांड की मास्टरमाइंड थी फूलन देवी। बेहमई गांव में 4 दिनों तक हुए अत्याचार के बाद फूलन को अधमरी हालत में बीहड़ में फेंक दिया गया। मदद के लिए फूलन अपने गांव बूढ़ा का पुरवा पहुंची, लेकिन यहां भी उसके अपनों ने मुंह फेर लिया। ते भटकते अपने गांव आए, गांव से फिर हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका, अब तुम मर चुकी हो, अब तुम मर के जियो। इतने बुरे बुरे अत्याचार हुए मेरे साथ, तो हम क्यों मर जाएं? जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा हम क्यों उन्होंने बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी जवाब मिले। फूलन के दिल में बदले की आग धधक रही थी। एक बार फिर फूलन ने बीहड़ का रुख किया। उधर फूलन के साथ हुई हैवानियत की खबरें उससे पहले ही बीहड़ में पहुंच चुकी थी। फूलन ही नहीं, बीहड़ में सक्रिय डकैतों के कई दूसरे गिरोह भी श्री राम और लाला राम से बदला लेना चाहते थे। वहाँ पर उस क्षेत्र में ठाकुर वर्सेस मल्ला और इस तरह के बहुत सारे कास्ट बेस चलते रहते हैं प्रॉब्लम्स, और जो सबसे बड़ी इसमें बात कही जाती है कि श्रीराम और लाला राम ये दो लोग जो थे ठाकुर थे, इनका एक गैंग था, उसने विक्रम मल्ला को मरवाया। तो एक तो उन लोगों से कुछ बदला लेना था, उसके रिश्तेदारों से बदला लेना था, ठाकुरों से एक नफरत सी थी। श्रीराम और लाला राम खतरनाक डकैत तो थे ही, लेकिन इनका संपर्क पुलिस के साथ भी रहता था। ये दोनों भाई बीहड़ के बाकी डकैत गैंगों की मुखबरी कर पुलिस की मदद भी करते थे। यही वजह थी कि बाबा मुस्तकीन, लल्लू सिंह और मान सिंह जैसे डकैत इन दोनों भाइयों से सख्त नफरत करते थे। दूसरी तरफ फूलन के साथ हुई शर्मनाक घटना ने आग में घी डालने का काम किया। बीहड़ के बाकी डकैत इस घटना के बाद इन दोनों भाइयों के खिलाफ एकजुट हो गए। बीहड़ में श्रीराम और लाला राम के तमाम दुश्मन एक हो गए। बदले की इस लड़ाई में फूलन का साथ देने के लिए सबसे आगे थे विक्रम मल्ला का एक दोस्त मान सिंह। फूलन देवी ने मान सिंह के साथ मिलकर एक नया गैंग खड़ा किया। फूलन और श्रीराम लाला राम गैंग के बीच कई बार मुठभेड़ हुई, लेकिन बदला पूरा नहीं हो सका। 13 फरवरी 1981 फूलन देवी को पता चला कि उसके दुश्मन श्रीराम और लाला राम कानपुर देहात के बेहमई गांव में पंचायत करने वाले हैं। खबर मिलते ही फूलन और उसके साथियों ने बेहमई गांव पर धावा बोलने का फैसला किया। अगले दिन फूलन और उसके साथी बीहड़ से निकलकर बेहमई गांव की तरफ बढ़ रहे थे। 14 फरवरी 1981 को बीहड़ से लगी यमुना नदी को पार कर फूलन देवी दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास अपने दलबल के साथ इसी घाट पर पहुंची।
यहाँ पर अपने कुछ साथियों को छोड़कर बाकी डकैतों के साथ उसने बहमई गांव की ओर इसी पगडंडी तक कूच किया। मकसद साफ था, किसी हाल में भी श्रीराम और लाला राम को ढूंढ निकालना। 14 फरवरी 1981 का वो दिन जब फूलन देवी अपने डकैतों के गिरोह के साथ भीड़ों के बीच में बसे इसी बहमई गाँव में दाखिल हुई। उसे तलाश थी श्रीराम और लाला राम की, लेकिन उनके न मिलने पर बौखलाई फूलन ने इस गाँव के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 4 घंटे तक यहाँ पर लूटपाट का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद गांव वालों को एक पंचायत के नाम पर बाहर बुलाया गया। उस वक्त तक गांव के लोगों को नहीं पता था कि थोड़ी ही देर बाद उनके साथ किस तरह की घटना होने वाली है। और उसके बाद जो कुछ बहमई गांव में हुआ था वो आप देख ही चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 14 फरवरी 1981 फूलन देवी बहमई में अपने दुश्मन श्री राम और लाला राम को सजा देने आई थी, लेकिन वो सजा मिली 20 बेगुनाहों को। फूलन और उसके हथियारबंद साथियों ने एक साथ 20 लोगों को मौत के घाट उतार कर पुलिस को सीधे चुनौती दी थी। इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस के लिए ये एक चुनौती का विषय बन गया। इसकी वजह से जाहिर है पुलिस की बदनामी भी हुई कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। बहमई कांड की गूंज दिल्ली तक पहुँच गई थी। मुख्यमंत्री वीपी सिंह से जवाब तलब किए जा रहे थे। यूपी पुलिस पर फूलन और उसके साथियों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन फूलन तो इन भीड़ों में ऐसी गुम हुई कि लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। थकार कर पुलिस ने डकैतों तक पहुंचने के लिए पूरे इलाके में अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। 4 सर्किल ऑफिसर्स को बना के अंडर 2-2 स्टेशन ऑफिसर्स की टीम्स बनाई थी। हम लोगों ने उस जमाने में एक एंटी डकैती ऑपरेशंस के लिए एक अलग सेल हुआ करती थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके जो ऑफिसर्स थे उनको इंक्लूड किया। इसमें इंटेलिजेंस के लोग लगाए गए और बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने एक खबरियों के जाल की लग बनाई। बहमई कांड के करीब 2 साल बाद भी फूलन देवी पुलिस के हाथ नहीं आए। ये कांड यूपी पुलिस के नाक का सवाल बन गया था। डकैतों के सफाई के लिए भीड़ों में एंटी डकैती ऑपरेशन शुरू किया गया। जाबाज कमांडो दिन रात भीड़ों की खाक छानते थे। एक एक करके कई गैंग खत्म हो गए। फूलन देवी और मानसिंह गैंग के भी ज्यादातर डकैत मारे गए। फूलन का शिकंजा कसता देखकर फूलन देवी और मानसिंह के सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन फूलन देवी ने अपना आखिरी दांव चला। उसने फैसला किया कि यूपी पुलिस के सामने वो सरेंडर नहीं करेगी। फूलन का ऐलान था कि वो अपने साथियों समेत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर करने को तैयार है, बशर्ते सरकार सभी डकैतों के परिवार के गुजर बसर और पुनर्वास की गारंटी दे। फूलन देवी की तमाम शर्तें मान ली गई। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा फूलन चाहती थी। फूलन देवी ने जिस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने हथियार रखकर खुद को पुलिस के हवाले किया, तब वहां हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। सरेंडर के बाद फूलन को जेल पहुंचा दिया गया, लेकिन जेल जाने से पहले फूलन यूपी पुलिस के माथे पर हमेशा के लिए नाकामी का दाग छोड़ गई। यूपी पुलिस तमाम कोशिशों के बाद भी फूलन देवी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। फूलन देवी की हत्या को सीधे सीधे बहमई कांड से जोड़कर देखा गया। फूलन को गोली मारने वाले एक हमलावर शेर सिंह राणा ने भी फूलन की हत्या को बहमई कांड का बदला करार दिया था। फूलन की मौत के बाद भी बहमई कांड का मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। मुकदमों की सुनवाई अब भी चल रही है। बहमई कांड के बाद 31 साल पहले गिरफ्तार हुए कई लोग अब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, इस दलील के साथ कि ये लोग तो बेगुनाह थे, कांड तो फूलन देवी ने किया था। लेवाए गए थे लाला राम लेवाए गए थे जबरदस्ती खींच के। अच्छा, बदमाश बन गई। अब हम कितने बता दे, खूब सच तमाम भीड़ सुनत रहे। हाँ, खूब 40 लोग मुस्लिम को गैंग, लाला राम को गैंग, लल्लू को गैंग, सबई। फिर ये जब विक्रम को मार दो तब यू लाला राम फूलन के अलग कर लेगा। बहमई में लाला राम वहीं रुकते थे पूरा गिरोह, और वो बहमई वाले उसको बना देते थे, इसलिए जो है वहाँ फूलन देवी को मतलब ने विक्रम और बारीलाल को मार करके फूलन देवी को पकड़ लिया और 4-5 दिन रखा बहमई में, बलात्कार किया उसके साथ।
फिर उसने आकूत में भड़क कर गिरोह इकट्ठा करके और वहाँ पर कांड किया। उस कांड में 22 मारे गए, 35 घायल थे। बेमई कांड में यूपी पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, उनमें से फूलन समेत कई आरोपियों की मौत हो चुकी है। हाल ही में 8 लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं, उनमें से एक शख्स जेल में है, 3 पैरोल पर हैं और 4 फरार हैं। 14 फरवरी 1981 को हुए बेमई हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिवार ने करीब 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 31 साल तक चली इस कानूनी कार्रवाई के बीच 10 डकैत पुलिस की मुठभेड़ में मार दिए गए, फूलन देवी की हत्या कर दी गई और कुछ लोग अपनी मौत मर गए। इस बीच अदालत ने 4 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिए, जबकि 3 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। फूलन देवी जब तक जिंदा रही तब तक उसकी जुबान पर एक ही दलील थी कि वो अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए डकैत बनी थी, और फूलन के हत्यारे भी यही दलील देते हैं कि उन्होंने बहमई कांड का बदला लेने के लिए फूलन को मौत के घाट उतारा। जुल्म, बलात्कार और गोली से शुरू हुई फूलन देवी की कहानी गोलियों के साथ ही खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।